हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से एक श्रद्धांजलि है हमारे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के एक हीरो नाइमा तेंजिन, जो एक्चुअली तिब्बत को बिलोंग करते हैं। उनका डेथ हो गया था कुछ दिन पहले एक लैंडमाइन ब्लास्ट में लद्दाख में। ये वही स्पेशल फोर्स है जिसने कुछ दिन पहले ही ब्लैकटॉप पे कब्जा किया था चाइनीज मिलिट्री को वहां से भगा के। तिब्बत एक ऐसा ब्यूटीफुल प्लेस जिसकी सुंदरता आपका मन मोलेगा अगर आप वहां जाओ तो। लेकिन कहते हैं ना, सुंदर चीज पे किसी ना किसी शैतान का नजर पड़ी जाता है। तिब्बत के लिए वह शैतान है चाइना, जिसने ना सिर्फ तिब्बत के खूबसूरती को दिनों दिन बर्बाद कर रहा वहां इलीगल डैम्स और हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर से, साथ में वहां के लोगों के साथ जो अत्याचार होता है वो तो कल्पना से भी परे है। तिब्बत पे जाने से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि चाइना का कितना एक्सपेंशन हो चुका है जब से चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के उदय के साथ ही चाइना ने कई सारे जगह को कब्जा करके रखा है, चाहे वो मंगोलिया का एक बड़ा हिस्सा जिसे इनर मंगोलिया कहते हैं, इस एरिया पे चाइना का भी कंट्रोल है। उसके साथ मंचूरिया करके एक प्रोविंस है जो ये एक ऐसा प्रोविंस है जिसने कई सौ साल पहले पूरे चाइना पे राज किया था और इस प्रोविंस पे चाइना कंट्रोल करके बैठा है। ये 1949 के बाद जब माओ जेडोंग ने जब ऐलान किया कम्युनिस्ट पार्टी का विजय को लेके और चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का जब उदय हुआ जब 1949 में, तो उसके बाद ही तुरंत ही इसने मंचूरिया पे कब्जा जमा लिया था। उसके साथ ही तिब्बत को लेकर तो आपको आगे डिस्कस करूंगा कि तिब्बत में क्या हुआ था पूरा डिटेल्स में अच्छे से। तुर्कमेनिस्तान पे भी चाइना ने कब्जा कर लिया था, एक बड़े हिस्से को चाइना ने कब्जा कर लिया। उसके साथ यूनान के एरिए पे भी चाइना ने बाद में कब्जा किया। तो एक छोटा ऐसा चाइना आज 2020 में एक विशाल चाइना हो चुका है, उसका आपका प्रमाण आपके सामने है इस मैप के अंदर। देखो, चाइना जो है वो तिब्बत को लेके काफी ज्यादा सेंसिटिव रहता है, चाहे कोई भी देश हो। अगर तिब्बत को लेके तिब्बत के सपोर्ट में कुछ बोलता है तो चाइना उस पर या इकोनॉमिक प्रेशर डालता है या फिर मिलिट्री प्रेशर से डराने की कोशिश करता है। तो वही हुआ था मंगोलिया के साथ। मंगोलिया में कुछ रिलीजियस ग्रुप ने क्या किया, 2016 में दलाई लामा को बुलाया फंक्शन में, तो चाइना ने तुरंत ही प्रोटेस्ट किया और डिप्लोमेटिक रिलेशन को होल्ड पे डाल दिया मंगोलिया के साथ। और मंगोलिया को उसने एक लोन प्रॉमिस किया था, 4.2 बिलियन का लोन देगा, क्योंकि मंगोलिया में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो लोन के लिए प्रॉमिस किया था चाइना ने, उस पर भी होल्ड लगा दिया। और साथ में चाइना में जो इम्पोर्ट्स होता है मंगोलिया से उस पर काफ़ी हैवी टैरिफ लगा दिया। उसके साथ जो इनर मंगोलिया रीजन है ये जो रीजन है इनर मंगोलिया का, यहाँ पे चाइना ने क्या किया, जो यहाँ से मैक्सिमम ये एरिया जो है ये पूरे तरह से चाइना के ऊपर डिपेंड है, चाइना ने क्या किया कि यहाँ पे खाना पानी मेडिकल सप्लाई तक भी कई टाइम तक रोक दिया। उसके वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी हुआ था और इन लोगों ने काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था। लेकिन सुनने वाला कौन है, चाइना को कौन बोलने वाला है? चाइना तो मनमानी करते रहता है, उसका तो आदत है शुरू से मनमानी करते रहना। देखो, अब तिब्बत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तिब्बत जो है वो तिब्बतियन प्लेटू का एक रीजन है तिब्बत, जो करीब करीब 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर आप देखो तो ये चाइना का 1/4 है, चाइना का करीब 94-95 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब एरिया है, उसका समझ लो तो 1/4 एरिया तिब्बत ही है सिर्फ। इसका जो ट्रेडिशनल जो है, यहाँ पे लोग तिब्बतियन लोग हैं और कुछ सम एथनिक ग्रुप सब यहाँ पे रहते हैं। अगर इसका सबसे हाईएस्ट अगर रीजन का बात करो तो माउंट एवरेस्ट है, सबसे हाईएस्ट रीजन है। और अगर इसका एवरेज हाइट, अगर तिब्बत का एवरेज हाइट अगर आप देखोगे, एवरेज एलिवेशन, तो वो करीब करीब 4900 मीटर के करीब है एवरेज एलिवेशन तिब्बत का। देखो, सब कुछ अच्छा चल रहा था,
1912 ईस्वी में जो 13वें दलाई लामा थे, उन्होंने क्या किया कि एक प्रो क्लेम तिब्बत को लेकर दोहराया और उन्होंने कहा कि तिब्बत जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यहाँ का खुद का झंडा है, खुद का मिलिट्री है, खुद का पासपोर्ट है, उन्होंने दोहराया था उस टाइम पे, तो वहाँ तक ठीक था। जैसे ही 1 अक्टूबर 1949 को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना और माओ जेडोंग ने ऐलान किया चाइना के में कम्युनिस्ट पार्टी का ऐलान को लेके, तो उसके बाद से हुआ क्या, कुछ टाइम बाद ही रेडियो बीजिंग ने एक अनाउंसमेंट किया, उसमें यह बताया गया कि चाइना बहुत जल्द ही अपने सारे टेरिटरी को कब्जा करेगा, चाहे वो तिब्बत हो, जिनजियांग हो, हैनान हो या फिर ताइवान हो। पता नहीं ये लोग तो बाप दादा का जमीन को भी अपना ही समझते हैं, चाहे वो हजार साल पहले किसी राजा ने कहाँ पे कभी कहीं पे कब्जा करके रखा हो चाइना का, तो वो भी चाइना का ही हुआ, ऐसा इन लोगों का सोच ही है। इसलिए माओ जेडोंग ने आते ही राज, उनका राज जैसे ही आया उन्होंने सब ऐलान कर दिया कि मेरे दादा परदादा के जितने सारे जमीन हैं सब हमको चाहिए रिटर्न में। देखो 1951 के बाद पहले हम जान लेते हैं थोड़ा, दलाई लामा जो है उनका जन्म हुआ था 1935 को जन्म हुआ था, दलाई 14वें दलाई लामा जो अभी इंडिया में है जिसको आप देखते हो जनरली, वो 14वें दलाई लामा है, उसका 1935 को जन्म हुआ था और 1950 ईस्वी में उनको हेड ऑफ द स्टेट बना दिया गया था 15 साल के उम्र में ही। दलाई लामा का गवर्नमेंट सब कुछ अच्छे से चल रहा था 1951 तक, जब तक चाइनीज आर्मी ने इन्वेड नहीं कर दिया था तब तक ठीक ठाक चल रहा था। चाइनीज आर्मी ने किया क्या ये अगले आपको मैं मैप में अच्छे से समझाता हूँ। देखो ये पूरा तिब्बत का एरिया है, अगर आप तिब्बत एटोनोमस रीजन को देखोगे तो अब इतना ही तिब्बत एटोनोमस रीजन बचा हुआ है, ये सारे बड़े एरिया पे चीन ने कब्जा करके बैठा और इसको चीन का अपना पार्ट बना दिया। ये हुआ ये था कि धीरे धीरे चीन इसमें एंटर करते गया और यहाँ के लोगों को ये सब बताया कि हम तुमको वेस्टर्न कंट्री से बचाने के लिए हमारी सेना तुम लोग के मदद के लिए आई है, लेकिन वहाँ पे साल दो साल में ही ये सारे एरिया पे चीन ने कब्जा कर लिया। और जब तिब्बत के गवर्नमेंट को जब पता चला कि चाइना मिलिट्री जो है यहाँ पे कब्जा कर रहा है और यहाँ पे लोगों को काफ़ी प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है लोगों को, तो तिब्बत गवर्नमेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट किया और अपनी बात रखा। तो चाइना के पास तो अब बड़ा एरिया तिब्बत का था, तो चाइना ने टेबल पे बात के लिए तिब्बत को बुलाया और तिब्बत को 17 पॉइंट एग्रीमेंट के लिए फोर्सफुल्ली बना लिया। उस 17 पॉइंट एग्रीमेंट में यह था कि चाइना जिस एरिया पे, ये एरिया पे चाइना जो कब्जा करके बैठा है ये एरिया अब पूरे तरह से चाइना का होगा, बाकी का जो एरिया है तिब्बत का चाइना इसे फुल फ्रीडम देगा, इस एरिया में किसी को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन चाइना बोल कभी बात किसी का मानता है क्या? कुछ टाइम हुआ नहीं था कि चाइना अब यहाँ से आगे बढ़ के तिब्बत एटोनोम ये एरिया में घुस के यहाँ के लोगों को परेशान करने लगा, यहाँ के लोगों को बोलना चालू कर दिया आप रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस में आज़ादी आपको नहीं मिलेगा, आप बुद्धिज़्म को नहीं मान सकते, परेशान करना चालू कर दिया यहाँ पे भी आके। देखो उसके बाद क्या हुआ, जो 14वें दलाई लामा थे उन्होंने बड़े प्रोटेस्ट किया काफ़ी सारे लोगों को लाके, तो इससे चाइना गुस्सा हो गया और उन्होंने क्या किया, 14वें दलाई लामा को एक सेपरेटिस्ट घोषित कर दिया और उसे पकड़ने के लिए सेना भेज दिया। तो 14वें दलाई लामा को जो है किसी तरीके से वहाँ से निकल के इंडिया आना पड़ा और उस समय कई सारे तिब्बत के रिफ्यूजीज भी वहाँ से भाग गए थे जो करीब लाखों में थे, तो वो लोग कई कई देश में बस गए, चाहे वो इंडिया हो, नेपाल हो या फिर म्यांमार हो, ये सब एरिया में शुरू शुरू में ये लोग गए थे। तो ये एक्चुअली 1665 नहीं है, 1965 है। 1965 में चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया, तिब्बत एटोनोमस रीजन बना दिया जो तिब्बत था उसको, मतलब यहाँ पे चाइना का गवर्नमेंट का पावर चलेगा, वहाँ पे लोगों को ह्यूमन राइट्स का अधिकार था इसमें, ऐसा बताया था चाइना ने, लेकिन गवर्नमेंट जो है चाइना का ही चलेगा। लेकिन चाइना ने ह्यूमन राइट्स को भी लेके कोई भी बात नहीं माना और काफ़ी ज़्यादा परेशान। उसके बाद जो सबसे भयानक जो तिब्बत का बर्बादी हुआ है वो कल्चरल रिवॉल्यूशन के कारण हुआ। ये कल्चरल रिवॉल्यूशन ये है कि माओ जेडोंग ने ऐलान किया कि अब आने वाले टाइम पे चाइना में कोई धर्म
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सोच से ज्यादा ऊपर नहीं होगा। अगर सबसे इंपॉर्टेंट चाइनीज लोगों के लिए है तो वो है चाइना का कम्युनिस्ट सोच, और इसके अलावा कोई भी चीज टॉलरेट नहीं किया जाएगा, सीधा ऐलान कर दिया। और आप जानते हो कि तिब्बत में काफी ज्यादा रिलीजियस सेंटीमेंट्स वाले लोग हैं, उन लोगों ने इसका बहिष्कार किया। तो वहां के चाइनीज आर्मी ने काफी सारे लोगों को मर्डर किया, करीब लाखों में मर्डर किया, और कई सारे रेप किया, टॉर्चर किया, डिटेंशन कैंप में डाल दिया। और अगर आप मॉनेस्ट्रीज को देखोगे जो वहाँ पे बुद्धिज्म का जो पूजा करने का होता है, 97% मॉनेस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ तक कि उसमें जो मॉन्क्स थे उसको भी मार दिया, लगभग सारे मॉन्क्स को मार दिया या उसको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया, जो लोग चाइना का बात नहीं मान रहे थे। देखो चाइना अब समझ चुका है, जब से लद्दाख में इंडिया का एग्रेसिव एक्शन देखा है, चाइना अब अच्छे से समझ चुका है कि इंडिया अब किसी भी तरीके से झुकने वाला नहीं है। अगर आने वाले टाइम पे अगर भारत अगर और ज़्यादा एग्रेसिव होगा, और हो सकता है कि वो तिब्बत को लेके और ज़्यादा एग्रेशन दिखाए, तिब्बत पे अटैक भी करे, तो इस चक्कर में चाइना अब प्लानिंग कर रहा है आने वाले टाइम में $146 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, और तिब्बत को पूरे तरह से डेवलप बना देगा, ताकि जो चाइना के जो मेन रीजन में ज़्यादातर लोग रहते हैं वो लोग माइग्रेट करके तिब्बत एरिया में रहें, और यहाँ पे जो लोकल टिबेटियन लोग हैं वो लोग को रिप्लेस कर दे। तो कोई भी अंदर का जो होगा, जो आंदोलन करने वाला कोई नहीं होगा। अभी तो अगर इंडिया अटैक करेगा तो तिब्बत के लोगों से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने का अनुमान है, लेकिन जब वहाँ पे तिबेतियन होगा ही नहीं, चाइनीज लोग भर जाएंगे, तो फिर वो लोग क्यों सपोर्ट करेंगे इंडिया का। तो इस 146 बिलियन डॉलर में तीन सबसे बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के बारे में है। एक सिचुआन तिब्बत रेलवे लिंक है, दूसरा एक बड़ा रेलवे लिंक बनने का पूरा प्लानिंग चल रहा है कि नेपाल और तिब्बत के बीच एक बड़ा रेलवे लिंक बनेगा। इसको लेके कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, कई सारे प्रॉब्लम इसको लेके आ रहे हैं कि ज्योग्राफिक लोकेशन को लेके, क्योंकि ये ऐसा खबर आ रहा है कि ये पहाड़ में ड्रिल करके एक सुरंग बना के रेलवे लाइन को पास किया जाएगा, इसलिए पूरे जो दुनिया के जो भी साइंटिस्ट सब लोग हैं वो लोग मना कर रहे हैं इसको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले टाइम पे अगर ऐसा इस तरह का अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ अगेंस्ट इन्वायरमेंट। तो और उसके साथ ड्राई पोर्ट जो है एक तिब्बत में ऑटोनोमस रीजन में बनाना है, इसको लेके भी पूरा डील। देखो यूएसए तो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही तिब्बत को लेके बोलते रहा है, लेकिन कुछ टाइम से यूएसए कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग स्टेप ले रहा है तिब्बत को लेके, क्योंकि चाइना का जो एग्रेसिव बिहेवियर है इसको लेके यूएसए भी काफ़ी चिढ़ा हुआ है चाइना से। 2-3 महीने पहले ही यूएस पार्लियामेंट में एक बिल को टेबल किया गया था, जिस बिल में था कि यूएस तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करे, इस बिल को टेबल किया गया था। एक बहुत बड़ा स्टेप था जिसको लेके चाइना ने काफ़ी हैवी प्रोटेस्ट किया था। देखो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले से ही चाइना के खिलाफ पूरे तरीके से है, लेकिन जो बाइडन भी कम नहीं है, जो ट्रंप के खिलाफ जो इस बार प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में उतरे हैं, उन्होंने यह कहा कि अगर वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो दलाई लामा को पूरे तरह से वैल्यू देंगे, उनसे मिलेंगे भी, और तिबेटियन लोगों को एक अधिकार दिलाएंगे। ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है उसको लेके चाइनीज ऑफिशियल को वो सैंक्शन भी करेंगे जो इसमें शामिल है ह्यूमन राइट वायलेशन में। देखो इंडिया को लेके लोबसंग सांगे जो प्रेसिडेंट हैं गवर्नमेंट तिबेतियन गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल के, इन्होंने जब लद्दाख में बॉर्डर प्रॉब्लम चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच, जिसमें हमारे 20 सोल्जर का डेथ हुआ था, उस टाइम ही इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक रिक्वेस्ट रखा था कि आप तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करो। उससे क्या होगा कि तिब्बत इंडिया का जो बॉर्डर है वो तिब्बत के साथ लगता है, ना कि चाइना के साथ लगता है। अगर आप तिब्बत को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दोगे तो बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर तो तिब्बत के साथ है, और तिब्बत तो पूरे तरीके से पीसफुली इंडिया के साथ रहेगा, तो सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। तो अब इसको लेके इंडियन गवर्नमेंट का कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस आया नहीं, क्योंकि इंडिया भी समझता है कि बहुत बड़ा स्टेप है, इतनी आसानी से तो ले नहीं सकते। देखो तिबेतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एक्चुअली इसको बनाया गया था 28 अप्रैल 1959 में,
दलाई 14वें दलाई लामा के द्वारा बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर धर्मशाला में रखा गया। इसको सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है और उसी को तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल के नाम से जाना जाता है। और इसको दुनिया में किसी भी देश ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, यहाँ तक कि इंडिया ने भी इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है। लेकिन हाँ, पूरे दुनिया में जितने भी तिब्बतियन लोग हैं वो इसको ही गवर्नमेंट मानते हैं, वो चाइनीज को गवर्नमेंट नहीं मानते। देखो, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब इंडिया क्या करेगा आखिर चाइना को लेके। जिस तरह से चाइना पूरे LAC को हॉट करके रखा है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक कि कुछ दिन पहले चाइना ने अरुणाचल से 5 लोगों को उठा लिया, और उसको लेके भी जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि चाइनीज़ गवर्नमेंट से कि क्या आपने इंडियन आदमी को एबडक्ट किया है, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट का रिस्पांस ये आया कि ये आपका इंटरनल मैटर नहीं है। तो आप सोचो कि इस तरह से बिहेवियर चाइना का है, तो चाइना के लिए हमारे पास अब बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेप की ज़रूरत है, हो सकता है मिलिट्री एक्शन भी लेना पड़े। तो इसके लिए गवर्नमेंट को पूरे तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, और चाइना को भी सोचना चाहिए, ये कोई मंगोलिया नहीं है और ना ही ये तिब्बत है, ये भारत है, 2020 का भारत है। जो मिलिट्री में इंडिया अभी टॉप 5 पावरफुल कंट्री में आता है, इंडिया के पास पूरे दुनिया का सपोर्ट है। अगर चाइना इसी तरीके से बेवकूफ़ी करेगा तो हो सकता है चाइना का बर्बादी बहुत जल्द हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।